देख रहे हैं केवल सच। हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद असारुल्लाह उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देखना शुरू कर दिए हैं केवल सच न्यूज। आज मैं किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत डुमरिया पंचायत के वार्ड नंबर 11 में खड़ा हूं और यहां खड़ा होके ये रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं। दरअसल आप हमारे पीछे साइड देखते होंगे, यहाँ पर कुछ जवान जो है वो नहा रहे हैं और तकरीबन ये जो यहाँ पर एक नहर, आपको नहर सा लग रहा है देखने में, लेकिन ये नहर है नहीं जो आप देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो मुख्य मार्ग है जहाँ पर खड़ा होकर मैं आपका ये वीडियो या ये रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, इस रास्ते से बिधिबिटा, कुकरमनी और चपाती, इन तीनों बस्ती के हजारों लोगों का जो है इधर से आना जाना होता है। यानी कि वो इस रास्ते से आते हैं और इस पानी को तैरता हुआ इस पार आते हैं और फिर यहाँ से 327E जो नेशनल हाईवे है किशनगंज जाने के लिए या पौवाखाली जाने के लिए, वहाँ से इसी रास्ते से लोग जाते हैं। इस पार आप देख सकते हैं और उस पार, यानी कि ये साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक रास्ता था, लेकिन इस रास्ता को कट जाने के बाद फिर से दोबारा इस रास्ते को बनाया नहीं गया। बहुत सारे मुखिया सरपंच आते तो हैं, वार्ड मेंबर आते तो हैं और सिर्फ चुनाव के समय में ही भोला भाला जनता को पहला फुसला कर वोट तो ले लेता है और उसके बाद फिर वही कहानी हो जाती है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। यही चीज़ है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो रास्ता है जिस रास्ते से दिन में हजारों की संख्या में लोग इस पार से उस पार आना जाना करते हैं, लेकिन आना जाना तो करते हैं। मैं आपको हमारे स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रहा हूं कि किस तरह से बुजुर्ग आदमी उस पार से इस पार जब आते हैं या फिर इस पार से उस पार जब जाते हैं तो साइकिल को अपने कंधे में लेके किस तरह से ये लोग इस रास्ते का सफर क्या करते हैं। लग तो यही रहा है इस दृश्य को, इस सीन को देखने के बाद कि 1947 में हमारा देश यानी कि मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद तो हो चुका था अंग्रेज़ों के हाथ से, लेकिन ये जो स्थिति है, ये जो दृश्य है, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम अभी भी कहीं ना कहीं गुलामी की ज़िंदगी को जी रहे हैं। इसका जीता जागता मिसाल ये डुमरिया पंचायत के वार्ड नंबर 11 का ये नाला है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ जवान हैं, मैं इन लोगों को बुलाऊंगा और इन लोगों से मैं बात भी करने की कोशिश करूंगा। लेकिन जिस चीज़ को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मुखिया और सरपंच मेंबर, चाहे वो विधायक हो, एमपी हो, इसी जिला में अगर कहा जाए तो कांग्रेस का यहाँ पर एमपी है और इसी विधानसभा में अगर कहा जाए कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन का यहाँ पर विधायक है और यहाँ पर एक मुखिया जो नवनिर्वाचित यहाँ पर जीता हुआ है, जो इस विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा तो था, लोगों ने इनको चुनाव तो कर लिया लेकिन समस्या जस का तस पड़ा है, ये समस्या हल होने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए हम इन लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बार बार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग इस पार से उस पार जो आना जाना करते हैं, कितने मुश्किलों के साथ यहाँ से लोग इस पार से उस पार आते जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आरिफ। आरिफ, ये जो आप नहा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको नहाने में बड़ा मजा लगता होगा। हाँ, ये जो हम नाला देख रहे हैं, हालांकि तो नाला है नहीं है, ये रोड है। रोड है, ये कटने का कितना दिन हुआ? ये कटने का कम से कम 2-4 साल हो गया। 2-4 साल हो गया। हाँ। और उसके बाद से लेकर अब तक ये बना नहीं। तो जब 2-4 साल हो गया, यानी कि जब मेरे ख्याल से 2017 में जो बाढ़ आया था जिसमें अच्छे अच्छे रोड, अच्छे अच्छे पुलिया को ध्वस्त कर दिया था, वो बाढ़ लग रहा है उसी बाढ़ में इस जो है रास्ता को काटा था, लेकिन तब से लेकर अब तक जो है इस रोड का काम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर विधायक एमपी आए इस जगह को देखने के लिए? नहीं आए हैं। चलिए, क्या करने आएंगे? यहाँ पर लोग चुनाव तो कर देते हैं, वोट तो दे देते हैं, लेकिन समस्या जस का तस रहा है। मिलते हैं हम आपके साथ अगले एपिसोड में। जय हिंद।